दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आने वाले मार्क जकरबर्ग, जिन्होंने बहुत कम उम्र में ये मुकाम हासिल कर लिया। उन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी ड्रीम लाइफ को जीने के लिए हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट ले लिया। सो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे मार्क जकरबर्ग की टॉप 10 सक्सेस रूल्स, जो सच में बहुत ही ग्रेट है। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आप भी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सो भाइयों और बहनों, बिना टाइम वेस्ट किए चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं यार। हेलो केस फैमिली, यू वाचिंग क्रिकेट यस एंड दिस इज दिकेश। रूल नंबर फर्स्ट, ड्रीमिंग इज जस्ट नॉट इनफ। मार्क कहते हैं सिर्फ सपने देखना ये काफ़ी नहीं है, आपको हर दिन सपने से जागना पड़ेगा और उठकर उस सपनों के लिए काम करना पड़ेगा। तब तक लगातार काम करना पड़ेगा जब तक आप उस सपने को पूरा नहीं कर देते। और अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो इसका सिर्फ यही रास्ता है। तो सिर्फ सपने दिखना ही काफ़ी नहीं है, सपनों के लिए काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस दुनिया में 98% लोग हैं जो रात में सो के सपने देखते हैं, और सिर्फ 2% पीपल ऐसे हैं जो सुबह जागकर अपने सपनों के लिए काम करते हैं ताकि उसे रियलिटी पे कन्वर्ट किया जा सके। आपको सिर्फ उन 2% लोगों में शामिल होना है। रूल नंबर 2, ब्रेक थिंग्स। मार्क जकरबर्ग कहते हैं ये दुनिया बहुत ही फास्ट है और इतनी भीड़ है जो आपको कुचल सकती है, तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, अपने लिमिट्स को तोड़ना पड़ेगा, अपनी प्रॉब्लम्स को तोड़ना पड़ेगा इससे पहले कि लोग आपको तोड़ें। क्योंकि अगर आप जब तक चीज़ों को तोड़ोगे नहीं तब तक आप अपनी स्पीड को नहीं बढ़ा सकते, ये सच है। रूल नंबर 3, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। आज दुनिया की प्रॉब्लम ये बन चुका है कि लोग बिल्कुल भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है और रिस्क लेने से डरते हैं। लेकिन सच तो ये है कि रिस्क के बिना आप किसी भी काम में ग्रेटनेस अचीव नहीं कर सकते। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने कभी ना कभी रिस्क लिया है, चाहे वो बिल गेट्स हो, वॉरेन बफेट, अमेज़न के मालिक जेफ बेज़ोस हो, या स्पेस एक्स के मालिक इलॉन मस्क। हम सब ने कभी ना कभी रिस्क लिया था, इसलिए हम सब कामयाब हैं। पर अगर इस दुनिया में आपको सक्सेसफुल बनना है, ग्रेटनेस अचीव करना है, आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि रिस्क तो हमेशा ही रहेगा। रूल नंबर 4, डोंट डिस्काउंट योरसेल्फ। आप अपने आप को कभी भी कम मत समझो। आप बहुत कुछ कर सकते हो और दूसरों से बहुत ज़्यादा कर सकते हो। आप हर उस इंसान से अलग हो जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। आप एक डिफरेंट ब्रीड हो। इंसान एक दूसरे से अलग होता है, उसमें अलग टैलेंट होता है, उसकी क्रिएटिविटी अलग अलग चीज़ों में होती है। कोई भी इंसान बेकार नहीं होता। तो अपने आप को कमज़ोर मानना बंद करो, अपने आप को डिस्काउंट मत करो, खुद पे भरोसा रखो। रूल नंबर 5, डोंट वर्क फॉर मनी। मैंने कभी भी पैसे के लिए काम नहीं किया। इनफैक्ट मैं अभी भी पैसे के लिए काम नहीं करता, क्योंकि अगर मुझे पैसे के लिए काम करना होता तो मैं हार्वर्ड से एक सबसे अच्छी डिग्री ले लेता और उस डिग्री के बेसिस पे मुझे जॉब का एक अच्छा पैकेज लग जाता। लेकिन ये मैंने पैसे के लिए शुरू किया ही नहीं था, मैंने शुरू किया था अपने जुनून के लिए, अपने पैशन के लिए। मैंने हमेशा अपने पैशन को फॉलो किया है, उस चीज़ को जिसे मैं इंजॉय करता हूँ। हम सर्विस इसलिए नहीं देते कि हम पैसे कमा सकें, बल्कि हम पैसे इसलिए कमाते हैं ताकि अच्छी सर्विस दे सकें। और इसका प्रूफ ये है कि मैं सैलरी के रूप में सिर्फ $1 ही लेता हूँ। रूल नंबर 6, स्टॉप टॉक एंड टेक एक्शन। मार्क कहते हैं कभी भी लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि आप क्या बोलते हो, क्योंकि अगर आप कुछ भी बोल लो लेकिन लोग अगर उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते, आपकी बातों की वैल्यू नहीं करते, तो वो आपकी बातों को भी नहीं समझेंगे। लोग इस बात की केयर करते हैं कि आप क्या बना पाते हो, आप क्या कर पाते हो अपनी लाइफ में। तो हमेशा अपनी लाइफ में करने पे फोकस करो, ना कि सिर्फ बात करने पे। बात तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जिसे अपने सपनों को रियलिटी पे कन्वर्ट करना होता है वो काम करता है। उसे दिन और रात की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। जब बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट पे काम कर रहे थे तो वो अपने काम पे इतने डूब जाते थे कि उन्हें भूख और प्यास का पता ही नहीं चलता था। वो काम करते करते अपने कीबोर्ड पे ही सो जाते थे और जब उठते थे तो वहीं से शुरुआत करते थे। रूल नंबर 7, सक्सेसफुल पीपल ओनली हैव 2 थिंग्स। मार्क कहते हैं मेरे पास और सक्सेसफुल लोगों के पास 2 चीज़ें हमेशा रहती है, फर्स्ट साइलेंट एंड सेकेंड स्माइल।
हम कम बोलते हैं, सिर्फ उतना ही बोलते हैं जितना बोलने की ज़रूरत है या जब हमें किसी ने कुछ पूछा हो। हम दुनिया भर की बातें करने में यकीन नहीं रखते। दूसरी बात, सिचुएशन कैसे भी हो हम हमेशा मुस्कुराते हैं। स्माइल हमें पावर देती है, एक सपोर्ट देती है अपने प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का, उनके सोल्यूशन निकालने का, अपने माइंड को पीसफुल रखने का। तो आप सब भी हमेशा स्माइल करो, हंसते रहो और कम से कम बोलो, जितना ज़रूरी हो सिर्फ उतना ही बोलो। रूल नंबर 8, आस्क इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन योरसेल्फ। हर दिन अपने आप से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मेरे लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है, क्या मैं उसे सही तरीके से कर रहा हूँ, या मैं अपने काम पे किसी तरह का इम्प्रूवमेंट और भी कर सकता हूँ। मैं ऐसे कई क्वेश्चन मैं अपने आप से पूछता हूँ जो मुझे मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं आगे बढ़ने के लिए, इंस्पायर करते हैं इनोवेशन के लिए, लोगों की नीड को समझने के लिए। आप भी अपने आप से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछें कि मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, उसके लिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ। रूल नंबर 9, लर्न फ्रॉम द पीपल अराउंड यू। आप उस हर इंसान से सीख सकते हो जो आपके आसपास है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ अपने फ्रेंड से सीखो, आप अपने कॉम्पिटिटर से भी सीख सकते हो। अगर आपका कॉम्पिटिटर आपसे कई गुना आगे है तो ये तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। आप हर इंसान की पॉजिटिविटी को देखें और इससे सीखने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार खराब से खराब लोग भी हमें हमारे लाइफ में एक ग्रेट एक्सपीरियंस दे जाते हैं, जो एक्सपीरियंस हमें लाइफ टाइम काम आता है। तो हर उस चीज़ से सीखें जो आपके आसपास है और अपने लाइफ में अप्लाई करें। रूल नंबर 10, गिव द वेरी बेस्ट एक्सपीरियंस। मार्क कहते हैं, बात अगर बिजनेस की हो या तो आपकी लाइफ की, जब भी लोगों से मिलो उन्हें ऐसा एक्सपीरियंस कराओ कि आपके साथ उन्हें वैल्यूबल फील हो, उन्हें ऐसी फीलिंग हो जिससे वो आपके साथ कनेक्ट हो जाए, वो आपके साथ जुड़े रहना चाहे। हमारा फेसबुक यही करता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेस्ट एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं, ऐसे एक्सपीरियंस जिन्हें वो अपने इमोशन से जोड़ दे और वो उसे हमेशा याद रखे। और मैं अक्सर यही करता हूँ जब मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं उन्हें एक ग्रेट एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता हूँ। सो गाइस, फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग की टॉप 10 सक्सेसफुल रूल्स आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और आप अभी तक मुझसे जुड़े हुए हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको कुछ भी वैल्यूबल जानने को मिला हो। कमेंट बॉक्स से बताओ कि मैं नेक्स्ट किसके बाद में वीडियो बनाऊं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। डेली मोटिवेशन के लिए मैंने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया है, तो बहुत ही कम मेंबर है यार, तो जल्दी जल्दी ज्वाइन करो उसे भी। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, बी स्मार्ट, बी अवेयर।